Hi my lovely babies, how are you all? I hope you and your family are in good health. I know babies, you must be missing your trophy ma'am. I was also missing you. I know babies, you are enjoying doing studies at home and I'm getting all your work to you. Thank you. Now babies, I have a surprise for you. Do you know what's a surprise? Abracadabra, gilly gilly choo. So, I'm going to tell you one clue. So the clue is, this is the fourth vyanjan of our Hindi varnmala. And you know babies, when we do vyanjan, we do it in our Hindi work. We speak and write in the Hindi language. So, bachcho, aaj jo main aapko ek kahani sunane wali hoon, us kahani mein do bahut achhe friends hain. कैसे वो फ्रेंड्स बताती हूँ एक घर में बहुत सारे स्मॉल लेटर्स रहते थे, ए बी पी एच वी एन, सारे के सारे स्मॉल लेटर्स रहते थे. ये एक एक करके अपने घर से बाहर जाते थे. एक बारी टू स्मॉल लेटर्स अपने घर से बाहर निकले कि आज हम अपने दादाजी के घर जाएंगे, पर चलते चलते वो रास्ता भूल गए और उन्होंने जो है डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया. अब उनको रास्ता याद नहीं आया. उन्होंने दादाजी के डंडे से मदद मांगी. उन्होंने कहा, दादाजी के डंडे आप हमें हमारे दादाजी के घर पहुंचा दो. दादाजी के डंडे ने उनका हाथ पकड़ा और उनको उनके दादाजी के घर पहुंचा दिया. आपने देखा बच्चों कि जो है ये तो व्यंजन घ बन गया, इसके ऊपर छत लग गई और ये व्यंजन घ बन गया. तो देखा बच्चों, व्यंजन घ जो है बनाना कितना ही आसान है. देखा बच्चों, आज हमने व्यंजन घ बनाना सीखा. ये देखो, अब मैं आपको बताती हूँ व्यंजन घ हम कैसे बना सकते हैं. आप सबके पास क्ले होगी. अगर आपके पास घर पे क्ले नहीं है तो आप अपने घर में जो है मम्मी से कह के आटे का डो भी ले सकते हो. ठीक है, ये मैंने क्ले ले ली और इसको मैंने जो है 3 लॉन्ग लाइंस में मैंने इसको बना लिया. अब मैंने सबसे पहले वाला जो है डो लेके स्मॉल लेटर सी बनाया. और स्मॉल लेटर सी का हैंड किसने पकड़ा था, बताओ? एक और स्मॉल लेटर सी ने, क्योंकि वो तो दादाजी के घर जा रहे थे. अब स्मॉल लेटर सी ने किससे मदद मांगी थी, याद है आपको? हाँ, दादाजी के डंडे से. तो हम दादाजी का डंडा बनाएंगे. ये आ गया दादाजी का डंडा. अब दादाजी के डंडे का हाथ पकड़ा था इन्होंने और ये आपका बन गया व्यंजन घ. अरे, व्यंजन घ के ऊपर छत भी तो लगानी है. चलो, ये हमने बना दिया व्यंजन घ. घ से घंटी, घ से पक्षियों का घोंसला और घ से घड़ा जिसमें पानी ठंडा रहे. तो बच्चों, मज़ा आया ना व्यंजन घ की स्टोरी सुन के और व्यंजन घ बनाना सीख के. अगर आपके पास घर में क्ले नहीं है, नो वरीज, आपके घर में आटा गूंदा हुआ होगा जिससे मम्मी चपातीस बनाती है. आप उस आटे से भी घ लिखना सीख सकते हो और आप मुझे इसकी पिक्स भी भेजोगे. और जब ये सूख जाएगा आटे का आपका बना हुआ घ, तो आप इसके ऊपर अपनी पसंद से कलर भी कर सकते हो, वाटर कलर. बट इफ अगर आपके घर में जो है वाटर कलर नहीं है, तो आप नील को या हल्दी को या फिर आप जो है कोई भी जो है कलर को घोल सकते हो. ठीक है बेबीज, नाउ अब मैं आपको जो है घ से घर बनाना सिखाती हूँ, जो कि बनाना बहुत ईजी है, जो आप जो है विदाउट मम्मा पापा हेल्प आप बना सकते हो. मेरे पास ये वाइट कलर की ड्राइंग शीट थी. आपके पास कोई भी शीट है आप कर सकते हो, या आप न्यूज़पेपर पे भी बना सकते हो. पहले आपने एक बॉक्स बनाया, स्क्वायर बन जाएगा. तो अब आप इसके ऊपर एक लॉन्ग लाइन डालो. ओके बेबीज,
अब इसके बाद आपने टू यहाँ से स्लेंटिंग लाइंस निकाली, फाइन। अब आपने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ये तो आपका बन गया हाउस का स्ट्रक्चर। अब आपने एक यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन डाली, बीच में आपने एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन डाली, ये आपकी बन गई विंडो। अब आपने टू यहाँ पे स्टैंडिंग लाइंस और इसके ऊपर आपने छत डाली, जैसी छत हमने दादाजी के घर पे डाली थी, और बीच में एक स्टैंडिंग लाइन और डाली, और ये आपका बन गया बहुत प्यारा सा घर, और बाहर ये रास्ता। नाउ बेबीज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अब आप इसमें अपनी चॉइस के कलर करोगे, जो भी आपको कलर पसंद हो अब आप इसको कलर कर सकते हो और आप इसको डेकोरेट करोगे। अब मुझे तो भाई ब्राउन कलर पसंद है, तो मैं स्लीपिंग स्ट्रोक्स में, ऐसे स्लीपिंग स्लीपिंग लाइंस में मैं घर करूँगी। पर बेबीज आपका कलर बाहर नहीं जाना चाहिए, आपने कलर डार्क डार्क और बिल्कुल स्लीपिंग स्ट्रोक्स में करना है कि आपका घर सुंदर दिखे। और ये मैंने दूसरा कलर दिया है जो कि मैं स्लीपिंग स्लीपिंग करते हुए नीचे करूँगी। तो बेबीज अब आप अपने भी ड्राइंग शीट पे अपना भी एक घर की ड्राइंग बनाएंगे, इसमें कलर करके अब आप मुझे ये सेंड करेंगे, और आप अपने पास क्ले से या आटे से घर बनाओगे, उसके ऊपर आप किसी भी वाटर कलर से या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल कलर्स है उससे आप घर की प्रैक्टिस करोगे। घर घ से घर, घ से घोड़ा, घ से घड़ा, घ से घंटी, घ से घड़ी,